थ्योरी कैसे करते हैं उसका क्लास नंबर 4 आप मेरा क्लास नंबर 3 तक देख लीजिएगा, उसमें मैंने 32 जननीति करवाई है। नाउ एग्जांपल नंबर 33 नंबर जननीति करा रहा हूं, वक्त नहीं है, फास्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते जाइए। सर कैसे कर रहे हैं? पेड कैरेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3000। इसका मतलब क्या है इसमें, मैं थोड़ा धीरे धीरे शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि बहुत सारा समझाया हूं। मैंने कैरेज मैंने भाड़ा दिया था, जब मैं गुड्स को परचेज ऑफ गुड्स मैंने किया, जब मैं गुड्स खरीद के ला रहा था। मान लीजिए एक छात्र कह रहे हैं सर ये कैरेज क्या होता है, सोचिए कैरेज दो तरह का हो सकता है। देखिए आप उसमें मान लीजिए जब आप गुड्स खरीद कर ला रहे हो, कहीं से लाते हो, तो गुड्स खरीद के लाते समय अपने लोकेशन मैंने फैक्ट्री में अपनी दुकान में अपने गोडाउन में अपने वेयर हाउस में जब गुड्स लाते हैं, लाते समय जब भाड़ा देते हो कैरेज, तो स्वयं उस कैरेज को कहा जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको नई नई चीजें मस्त मस्त चीजें सिखा रहा हूँ। गुड्स लाते समय अगर आप लाते समय भाड़ा देते हो अपनी दुकान में फैक्ट्री में लोकेशन में गुड्स को, तो उस भाड़ा को हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड अंदर ला रहे, यानी आपका खर्चा कब लग रहा है, जब आप गुड्स खरीद कर ला रहे हो। और जब मान लीजिए वो गुड्स स्टूडेंट में बेचूंगा, वो गुड्स में पहले ला कर रखा, मान लीजिए मुझे एक कस्टमर मिला है सर, मान लीजिए एक कस्टमर मुझे कोलकाता का मिला है और मैं कोलकाता के कस्टमर को गुड्स बेचूंगा, वो मुझे बोला सर गुड्स मेरे वहां पहुंचा दीजिए, अब पहुंचाते समय मेरा भाड़ा लग गया, तो वो जो कैरेज होता है वो कैरेज लाते समय लग रहा है ना गुड्स को बेचते वक्त, अगर गुड्स को सेल करते समय कोई कैरेज या फ्रेट लगता है तो आपको भाषा में क्या लिखना होगा, कैरेज आउटवर्ड। ध्यान से देखिए कैरेज इनवर्ड क्या है, जब मैं गुड्स को ला रहा हूं लाते समय जो खर्च लगता है गुड्स को, तो वर्ड होता है कैरेज इनवर्ड, या बहुत बार वो हम समझ लेंगे सर क्वेश्चन कराते समय, या भाषा में आएगा फ्रेट इनवर्ड, यानी कैरेज इनवर्ड कहिएगा या फ्रेट इनवर्ड कहेगा। लेकिन गुड्स बेचते समय मेरे जेब से कोई पैसा लगाया, जैसे कलकत्ता का कस्टमर है, मैं गुड्स वहां पहुंचाया और मेरा 200 रुपया लग गया, तो ये खर्चा कब लग रहा है, जब सामान बेचते हो आउट, मतलब आप अपने घर से सामान को बाहर कर रहे हो, तो भाषा में लिखना पड़ता है कैरेज आउटवर्ड। लेकिन दोनों ही क्या है, याद रखिएगा वेदर फ्रेट और कैरेज इनवर्ड, इसमें ध्यान से सोचिए ये जो इनवर्ड है या फ्रेट आउटवर्ड है, आपको ध्यान रखना है मेरे बिजनेस के लिए तो क्या हो गया, ये एक्सपेंस है और ये हमेशा ही क्या होगा, डेबिट होगा। ऐसा ना कैरेज इनवर्ड मतलब होता है गुड्स लाते समय आप कोई खर्चा दे रहे हो, लॉरी वाले को, रेलवे को, ट्रांसपोर्ट को, आप जो खर्चा दे रहे हो, सीधी बात, आपने जहाज से सामान मंगाया सीप से, उस समय जो भाड़ा दे रहे हो वो सब होता है कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, और जब सामान बेचते समय कस्टमर के घर में मुझे पहुंचाना पड़ जाएगा उस समय जो भाड़ा लगेगा वो होता है कैरेज आउटवर्ड। तो आपको इनवर्ड आउटवर्ड एग्जाम के हॉल में मेंशन कर देना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटता है। चलिए सर, तो फ्रेट दो तरह का हुआ, लाते समय इनवर्ड, बेचते समय जो भाड़ा लगेगा आउटवर्ड, और ये मेरा एक्सपेंस है डेबिट होगा। अब देखिए पेड कैरेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स, देखिए मैं जब गुड्स खरीद कर लाया तो मेरा भाड़ा लगा, भाड़ा लगने से बिजनेस में क्या होगा, भाड़ा नहीं घटेगा, क्या घट जा रहा है, कैश बॉक्स मेरा क्या होगा माइनस, इसका मैं कैश बिजनेस से क्या होगा इसमें अगर मैं सीधी बात करूं तो कैश मेरा गोज आउट हो रहा है, और लाते समय जो खर्चा लगा उसको कहते हैं कैरेज। कैरेज एक एक्सपेंस है, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आप ध्यान से देखिए इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो खर्चा डेबिट होगा, तो लाते समय जब खर्च लगेगा तो देखिए खर्चा को डेबिट ऐसे लिखना, सिर्फ कैरेज मत लिखना, मार्क्स कटेगा। ये देख लीजिए सर को देखिए, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कोई बोले कैरेज इनवर्ड क्या है, तो कहना है एक एक्सपेंस है, इन मैंने अंदर लाते समय मेरा भाड़ा लगा कितना रुपया लगा, खर्चा 3000, और बिजनेस से क्या गया, कैरेज नहीं गया, क्या गया, कैश गोज आउट हो रहा है, कैश मेरे घर से, उसमें कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, और कैश प्रॉपर्टी है, आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, आपको लिखना होगा कैरेज कैश अकाउंट क्रेडिट। सर कैसे याद रखने का, ये देखिए सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ये सब लिख के रख लोगे गोज आउट, और सर कैरेज इनवर्ड क्यों डेबिट किए, तो स्वयं ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है, ये लिख लो, देख लीजिए हो गया, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट के लिए। अच्छा अगर लिखा रहेगा पेड फ्रेट ऑन परचेज, मैंने फ्रेट बढ़ाया तो आप यहाँ पे लिखोगे
क्रेडिट इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा अगर ये मैं कैरेट अगर चेक से देता हूँ, चेक मतलब बैंक से देता हूँ, मैं पैसा बैंक से दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना हो जाएगा, घबराइएगा मत। एग्जाम्पल नंबर 34 में लग जाते हैं, 33 आप एकदम उतार लो उसको बैंक फास्ट, धीरे धीरे डायग्राम बना लो। 34 नंबर पे लिखते हैं पेड कैरेज, मैंने भाड़ा दिया एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ओ मैंने जब सामान बेचा तो मेरा 2500 रुपया क्या हुआ, भाड़ा लगाया, मैंने भाड़ा दिया कब, एट द पेड कैरेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचते समय मेरा 2500 रुपया लगाया। सर इसको थोड़ा सा सिखाइए ना सर, ये देखिए सर ये हमारा क्या है, यहाँ मैं हमेशा बबलू सर का एक स्टाइल सुन लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है, ये बेकार में सोचिए सो कभी अकाउंट्स आपका गलत नहीं, मेरे यहाँ मार्क्स इतना ज्यादा आने का कारण क्या, विद्यार्थी गलत नहीं करके आते हैं। तो सर देखिए पेड कैरेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स बेचते समय भाड़ा दिया, भाड़ा किसमें दिए होंगे तो बिजनेस का क्या हो गया सर मेरा, ये देखिए एरो को समझिए, कैश बॉक्स माइनस क्या, माइनस मतलब कैश क्या हो रहा है सर, बिजनेस से भाड़ा नहीं जाता है, क्या चला गया, कैश गो डाउन, कैश जा रहा है। और ये भाड़ा कब लग रहा है, जब आप सामान बेच रहे हो, जब सामान किसी के घर में किसी कस्टमर को मैं पहुंचा रहा हूं और पहुंचाते समय मेरे जेब से लग रहा है, पेड कैरेज मैंने दिया एट टाइम ऑफ गुड्स बेचते समय, तो ये होता है कैरेज इनवर्ड, नहीं क्या कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मैंने जब मैं बेच रहा था तब भाड़ा लगा, तो भाड़ा लगना मेरा एक खर्चा है, तो इसका डेबिट क्रेडिट कैसे बनेगा, पेड कैरेज एट टाइम, आप लोग इनवर्ड, अब यहाँ पे अगर आउटवर्ड नहीं लिखोगे तो स्कूल वाले मार्क्स हरगिज नहीं देंगे, लिख लीजिए आप भाषा में क्या लिखा सर ने, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्यों सर, क्योंकि कैश जा रहा है, कितना कैश चला गया 2500, सर याद कैसे रखेंगे, हम तो विद्यार्थी है, हाँ मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये शॉर्टकट रूल्स लिखवा, ये नियम यहाँ, एक्सपेंस डेबिट होगा, ये मेरा खर्च है, कैरेज मेरा खर्च है, सामान खर्चा डेबिट होता है, लेकिन आउटवर्ड क्यों लिखा, ये बेस से समय लगेगा तो आउटवर्ड लगाना बहुत जरूरी है, लाते समय लगेगा तो इनवर्ड वर्ड यूज करना। और कैश मेरा क्या हो रहा है सर विद्यार्थी, जीओ जीओ ई एस गोस आउट। चलिए सर एग्जांपल नंबर 44 सर कर दिए 34। अच्छा अगर यही लेता पेड कैरेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ₹2500 बाई चेक, मैंने चेक से पैसा दिया है तो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट बैंक का पंद, यहाँ बैंक होगा, मेरा बैंक बैलेंस कब होगा उस समय कैश नहीं होगा, नहीं करा रहा हूँ। एग्जाम्पल 34 नाउ एग्जाम्पल 35 बड़ा मजेदार दूंगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ा बैंकिंग ट्रांजेक्शन कराता हूँ सर, सर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कौन सा करा रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 35 देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा किया। अब मजेदार कहानी लूंगा सर, ये समझने लायक चीजें ले रहे हैं सर। एग्जाम्पल 35 में मैंने लिखा है मैंने कैश पैसा बैंक में जमा किया, सर कर सकते हैं सर, बैंक में क्या कभी खुद थोड़ी जमा हो जाते हैं, मैं काउंटर में खड़े होकर बोला बाबूदा के भेतोरे जमा नहीं है, नहीं ऐसा थोड़ी होगा, तो मैं बैंक में क्या जमा करता हूँ कैश, या हम सर लॉकर लेते हैं तो बैंक में हम अपना वैल्यूएबल कोई सामान या इंस्ट्रूमेंट या कोई कागज पत्र रखते हैं, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डायग्राम देखिए तो दादा मैं डायग्राम देख दो, ये मेरा क्या है बात कर बबलू सर के साथ, सर ये मेरा बिजनेस है, यहाँ मैं बिजनेस करता हूँ। अब मैंने क्या किया सर, मैंने कैश पैसा बैंक में जमा किया, यहाँ मान लीजिए क्या है आपका कैश बॉक्स, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप समझ गए सर, बबलू सर इस तरह से पढ़ा रहे, कैश बॉक्स माइनस कैश कहाँ चला गया, तो मैंने सर बैंक में खाता, देखिए सर कितना मेहनत कर रहा है, हमने एक बैंक अकाउंट क्या किया सर ओपन, बैंक में हमें खाता खोलना पड़ता है, बैंक वाले को सपना थोड़ी आ रहा है कि हम खाता खोलेंगे, तो मैंने लिखा है सर मैंने बैंक में खाता खोला। देखिए बैंक में खाता खोलते हैं तो मेरा अपना बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और कैश मेरा घटेगा, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब हमारा बैंक प्लस हो गया, कितने से प्लस हुआ, देखिए हमें मेहनत 60,000 प्लस हुआ,
और यहाँ कैच मेरा 60,000 से माइनस हुआ। मंत्र क्या है, बैंक अग्रवाल तुम सुनो, जब बैंक का रुपया बढ़ेगा तो डेबिट करना, बैंक अगर बढ़े तो डेबिट होगा और घटे तो ये मंत्र याद रखे। मंत्र कहते हैं स्टूडेंट, ये सब मंत्र है, जैसे हम लोग मंत्र लर्न कर लेते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक तो मेरा बैंक का रुपया बढ़ा, कैश का रुपया घट रहा है, कैश घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो सर इसका डेबिट क्रेडिट कर दीजिए ना सर, यही तो निकले बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया प्लस हुआ 60,000 और क्या जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश मेरा बढ़ा ना घटा, घट रहा है। इस बार देख सर इस तरह से एरो दिए, एरो मैंने ये घट रहा है और बैंक अकाउंट डेबिट में एरो ऐसे दिया ऊपर, एरो मतलब ये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हो गया। तो बैंक में कितना रुपया जमा कर दिए भैया 60,000। अगर कोई मुझे पूछेगा बबलू सर आपका बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट है, फिलहाल अभी तो मेरा 60,000 है सर, वो पैसा निकाल सकते हैं क्या? हाँ तेरा पैसा है, जब चाहे तुम क्या कर निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देखते हैं सर, मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन में सिखा रहा हूँ, अगर मैं बैंक का पैसा निकालूंगा तो सर क्या भूकंप आ जाएगा क्या? ना सर ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा जाए सर, सर लिखवाइए तो कैश विथड्रॉन फ्रॉम, विथड्रॉन मैंने निकालना होता है बैंक रुपीज 10,000, मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया, इसके आगे कौन छिपा है श्रीवास्तव, मैंने निकाले ना सर, तो मैं इसका ना मेरे बिजनेस में बैंक से 10,000 रुपया निकाला है सर, क्यों निकाले सर, क्या करेंगे उन पैसों का? भैया वो पैसा बिजनेस में लगेगा, बिजनेस में रोज खर्च लगता है, तो मैं बिजनेस पर्पस के लिए निकाला हूँ, यानी कुछ भी अग्रवाल नहीं निकाले तो पैसा क्यों निकाला? बाबूजी पूछा क्यों निकाल रहे हो भैया, पापा बिजनेस में पैसा क्या होगा लगता है खर्च के लिए, इससे मैं निकाला, मैंने ये पैसा बिजनेस के यूज के लिए निकाले, हाँ काम के लिए निकाले, वेरी गुड वर्ड। चलिए ये मेरा अग्रवाल क्या है, बात कर बिजनेस है, मैं जान बुझ के मेहनत क्यों कर रहा हूँ आपको पूरा तस्वीर की तरह भी दिखा रहा हूँ, ये मेरा क्या है अग्रवाल, यहाँ मैं बैंक अकाउंट ओपन किया था, अब यहाँ से पैसा निकाल कर कहाँ लाए, हाँ बिजनेस में कौन आया, क्या बैंक का मैनेजर उड़ के आ गया क्या? ना सर क्या आया, कैश क्या हो रहा है, कम सीन आया, जो कम सीन होगा वो डेबिट होगा, कितना रुपया कैश निकाले और बैंक का रुपया मेरा यहाँ से बैंक अकाउंट कितने से माइनस हो जाएगा सर, -10,000 अपना बैंक बैलेंस सर एरो नीचे कर दो घट रहे, तो श्रीवास्तव कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब है मैंने बैंक से पैसा निकाला, क्यों निकाले भैया क्या करेंगे सर, इसका ना मैं निकाला हूँ बिजनेस के खर्च के लिए, बिजनेस में क्या आ रहा है बैंक आ रहा है नहीं, क्या आया कैश नकदी रोकड़ा, 100-100 का रोकड़ा, 500-500 का रोकड़ा आ रहा है, तो कैश आ रहा है और बैंक का रुपया घट रहा है, बैंक घटेगा क्रेडिट होगा, इसका डेबिट क्रेडिट थोड़ा करवाइए तो विद्यार्थी, वेरी गुड आंसर अग्रवाल, कैश अकाउंट डेबिट, ये छोटे छोटे करके हम सीखेंगे ठीक है, बैंक अकाउंट मैं सोचिए कि सर एक ऑर्डिनरी आंसर दिया हूँ, हाँ हिम्मत रखिए गलती होगी, सर का काम है रोज सिखाना, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट मतलब मेरा कैश का रुपया क्या हो रहा है बढ़ है, जो बढ़ेगा वो डेबिट, कहाँ का रुपया कम हो गया बैंक का, अच्छा ये सर अगर एक्सिस बैंक होगा तो आप यहाँ लिख सकते हो एक्सिस बैंक अकाउंट के लिए, सर ये मेरा बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप लिख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट के लिए, हमने नहीं लिखा सिंपल वर्ड में। चलिए सर, सर बैंक से और क्या पैसा जमा किए निकाले, तो हाँ सर जमा किए निकाले, और क्या करते हैं सर देखते अभी कितना कुछ होगा, सर सुनते जाइए, अब स्टूडेंट मैं 37 नंबर करा रहा हूँ, मैं बैंक से पैसा फिर निकालूंगा सर, क्यों निकालेगा, अरे जरूरत है निकाल ही सकता हूँ, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, लेकिन देखिए मजेदार चीज देखिए, फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5,000, सर पल्ले नहीं पड़ता है सर सब बता रहा, इसका मतलब होता है मैंने कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, एकदम डायग्राम के साथ पिक्चर के साथ दिखाऊंगा सर, एकदम हिंदी मूवी देखोगे जैसे, ये देखिए यहाँ मेरा अग्रवाल बॉयज क्या है बिजनेस, मैं यहाँ रिश्रा में बिजनेस कर रहा हूँ, सही बात है, यहाँ मेरा क्या है सर, हाँ मैंने बैंक अकाउंट मतलब मैंने एक बैंक में खाता खोल के रखा, ये सब कहानी बनानी पड़ती है अकाउंट मेरे भैया अग्रवाल, ये मेरा बैंक अकाउंट है, यहाँ मैं पैसा रखा, अब देखिए
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब मैंने, मैं गया और बैंक से पैसा निकाल लिया, तो मेरा बैंक का रुपया 5000 क्या हो गया, माइनस हो रहा है। लेकिन माइनस होता है मेरा बैंक से, लेकिन ये रुपया निकालकर मान लीजिए रास्ता अग्रवाल, ये क्या है, रोड। सर रोड पे क्या होगा, मैं चल के कहां आया, तो मैं ये पैसा ले जाकर बिजनेस में ही लाकर क्या किया, पर्सनल यूज, मतलब ओनर क्या किया, एरे के डायग्राम देखिए, हाउस प्रॉपर्टी, ओनर क्या किया, 5000 रुपया बंदा बड़ा अच्छा लाकर अपने घर ले गया। तो बताइए घर ले जाने से बॉयल अग्रवाल हमारे कैश बॉक्स में कोई परिवर्तन होगा बिजनेस में? यही गलती इस जनरल इंडिया में बहुत जन करते हैं, वो तुक्का लगाते हैं, वो अकाउंट्स को याद करके बैठ गए, याद मत कर समझ, कैश बॉक्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं। ये रास्ता है, मैं पैसा लेकर कहां गया, सीधा घर, लेकिन आप पैसा कहां का निकाले, बिजनेस के बैंक से निकला, इसका मतलब तो बिजनेस सोच रहा है। सर बिजनेस सोचता कैसे, ब्रेन है क्या, मुझे नहीं मालूम है, तुम देख बिजनेस सोचता है क्या, सोच रहे हैं कि मेरा बैंक का रुपया तो क्या हो गया, बॉस ने कम कर दिया, लेकिन यहाँ कैश बॉक्स बढ़ा ना, इसका ना माना जाता है कि आपने अपने बिजनेस के पैसे को क्या किया, अपने घर के काम में लगा लिया, मतलब तुम पैसा कहां ले गया, घर ले गया। तब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब लाते हैं तो कैपिटल होता है दादा, जब लाएंगे तो कैपिटल, और जब बिजनेस से ले जाएंगे तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। अगरवाल ड्रॉइंग मतलब होता है अपने व्यक्तिगत, अपने घर के काम के लिए आप बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करते हो, तब वर्ड हो जाता है ड्रॉइंग्स। तो ये क्या हुआ, ड्रॉइंग हो गया, ये ड्रॉइंग बिजनेस का कैश बॉक्स में चेंज हुआ। आज मैंने डायग्राम बनाया, मैं खुद यहाँ लाइन में खड़ा होकर ये पैसा निकाला, ये रास्ते से कहां धां बोला मैं, सीधा कहां चला गया, अगरवाल घर। तो बिजनेस के कैश बॉक्स में एक बार क्या नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, तो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, मेरा बैंक का रुपया फिर भी क्या हो रहा है, अपना बैंक का रुपया तो कम हो रहा है सर, अपना बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, विद्यार्थी बैंक बैलेंस घट रहा है, और घर में ले जाओगे तो भाषा होगा ड्रॉइंग। तो सर इसका डेबिट क्रेडिट सीखिए, एकदम ऐसे सीखना है कि सर कोई किंतु परंतु ना रहे, तुक्काबाजी मेरे यहाँ नहीं चलेगा, समझिए सर, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिए। ये देखिए बच्चे कैश लिखते हैं जबकि होगा बैंक होगा, और इससे मेरा बैंक का रुपया कितने से कम हो गया, 5000 से। अग्रवाल बॉयज तुम सही बोल रहे हो भैया विद्यार्थी, 5000। ड्रॉइंग मतलब होता है आप जब पैसा बिजनेस का अपने घर के काम में बिजनेस का कुछ लगा लेते हो तो भाषा में ड्रॉइंग्स लगा, ड्रॉइंग मतलब अच्छा काम ना बुरा काम, अच्छा बुरा नहीं है सर, ड्रॉइंग हम करते हैं, लेकिन ड्रॉइंग करने से मेरा कारोबार का कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा, बिजनेस करने लायक कैपिटल कम हो जाएगी। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन करा सर, और कुछ कराइए ना सर, चलिए होगा। 37 तक सर बढ़ गया सर, नाउ 38, नाउ 38 को देखिए सर, 38 को देखते हैं सर, 38 नंबर, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया सर। 38 में एक मजेदार कहानी लेता हूं, देखिए पेड स्कूल फीस ऑफ चाइल्ड रुपीज 10000 बाई चेक। लो विद्यार्थी पागल सा हो गया, सर स्कूल फीस, क्या बिजनेस पढ़ने जाता है क्या सर स्कूल में? लेकिन कहानी देखिए, पेड स्कूल फीस का मतलब होता है मैंने स्कूल की फीस दी है अपने बच्चों की, ये चाइल्ड लिखा है, चिल्ड नहीं है, क्या है, हाँ विद्यार्थी चाइल्ड है। चलिए कभी कभी थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, तो बड़ा बोरिंग सा फील हो जाता है। चलिए ये मेरा बिजनेस विद्यार्थी, अब देखिए मजेदार कहानी, सर बिजनेस कहाँ पढ़ने जा रहा है, कौन से स्कूल में? अरे बिजनेस पढ़ने नहीं गया, बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लगते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ कौन है बोलिए, डायग्राम बनाइए, ये मान लो स्कूल है, तो मैंने स्कूल का क्या कर दिया, फीस दे दिया, दे ही सकते कहाँ से दिए, तो स्कूल का फीस मैं चेक से दिया हूँ, मतलब हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बैंक में अकाउंट क्या करते हैं, बहुत बार ओपन करते हैं। ओ सर आप बड़े स्मार्ट बिजनेस मैन हो, आप अपने बच्चों का फीस क्या किए, ये जो बिजनेस का बैंक का खाता खोले थे यहाँ से मैं बच्चों का स्कूल फीस दिया हूँ, बताए स्कूल फीस देना क्या बिजनेस का कोई खर्च है, ना ये आपका पर्सनल खर्चा है। ओ सर आप इनडायरेक्टली बड़े स्मार्ट हो,
आप अपना बैंक का पैसा क्या किए, बच्चों का स्कूल का फीस देने में लगा रहे हो, तो बिजनेस का पैसा तो निकल गया। इस घटना से बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या होगा? लेकिन इसके लिए स्कूल फीस नहीं ली गई है। भाषा भाषा वर्ड ड्रॉइंग आएगा, यानी स्कूल फीस, स्कूल बिजनेस का खर्चा नहीं, आपका व्यक्तिगत खर्चा, पर्सनल। इसमें भाषा में क्या लिखना होगा? ड्रॉइंग ही लगेगा। देखो यहाँ कुछ बच्चे स्कूल फीस लिख कर आते हैं, ट्रेन में बड़े खुश होते हैं, मतलब मैं इनकी सही से ही बनाया हूँ, और टीचर बोलता है भैया स्कूल फीस नहीं लिखना था, क्या लिखना था? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब नीचे वाला वर्ड बोलोगे? हाँ, वेरी गुड आंसर, बैंक अकाउंट के लिए। चलिए सर, कितना रुपया लिखे सर? ऐसे 10,000 लिख दे सर। बैंक बैलेंस आप लोग याद कैसे रखते हो सर? आप क्या सर, क्या वो डाबर चवनप्राश खाते हो क्या? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। डाबर चवनप्राश खाना में तो ऐसे ही बोले, घर का शुद्ध खाना खाया करो, अपना बैंक का रुपया घटेगा तो बैंक बढ़ने से डेबिट करे, और स्कूल फीस दे रहे हो तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये ड्रॉइंग हुआ। तो ऐसे भी देता है, पेड स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ₹10,000 बाय चेक। 38 नंबर कंप्लीट सर। 39, हाँ भाई 39 में लगता हूँ, जल्दी जल्दी करा ना। लेकिन अब आप लोग थोड़ा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अगर रेगुलर देखना होगा सर को, रेगुलर क्लास देखा करो और उसको सुना करो सर, बहुत इजी लगेगा। 39 नंबर लिखते हैं सर। 39 में क्या करेगा? पेड सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। सर ये कौन सा सर्वेंट है, अमेरिका से लाए हो क्या? देखिए, पेड सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट रुपीज 6,000 इन कैश। मैंने डोमेस्टिक सर्वेंट को, सर्वेंट मैंने नौकर, नौकर जो मेरे घर में काम कर रहा है, भैया मेहनत कर, तो पेड सैलरी और डोमेस्टिक सर्वेंट रुपीज 6,000 इन कैश। सर पढ़ ले नहीं पढ़ रहे, ये डागा हमारा बात कर। सर ऐसे पढ़ाते हैं, देख लीजिए, डेबिट के लिए ये मेरा बिजनेस है। मैंने क्या दिया, कैश बॉक्स में कितना दे रहा हूँ? 6,000। तो अपना 6,000 सर क्या साइन किए वाला माइनस, देखिए कैश एरो बाहर लगाओ, कैश दो जाओ। कोई कोई छात्र कहता है सर सैलरी चला गया, कोई कहता है सर नौकर, सर्वेंट, डोमेस्टिक, ना क्या गया, वर्ड दो जाओ, कैश जा रहा है। डोमेस्टिक सर्वेंट किसको कहते हैं, जो हमारे घर में काम करता है? ओ सर, डोमेस्टिक सर्वेंट क्या हुआ, जो मेरे घर में काम कर रहा है। तो सर ये जो आप घर के जो सर्वेंट को जो तनख्वाह या सैलरी दिए, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, कहाँ का है, ये आपका पर्सनल हो गया। तो भाषा में ड्रॉइंग लगेगा, जिसने जिसने सैलरी लिखा वो टेक्निकली गलत कर रहा है, तो सैलरी नहीं होगा। डोमेस्टिक सर्वेंट किसको कहते हैं, जो हमारे घर के काम काज में आ रहा है। तो बिजनेस कहता है भैया ये मेरा खर्चा नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपका घर, आप बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन हो, आप क्या किए, बिजनेस का पैसे घर का काम कर लिए, इस तरह बिजनेस में पैसा आया ना, ले गए, ले गए। तो भाषा में ड्रॉइंग, क्वेश्चन क्या लिखना, ड्रॉइंग होगा। फिर बचे, देखिए सर किस तरह से डेबिट क्रेडिट करा रहे हैं, नई नई चीजें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर, और पक्का विश्वास है कि छात्र सीख कर ही रहेंगे। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बार बार ड्रॉइंग आ रहा है, अगर बार कुछ समझा, वर्डिंग अलग अलग है, कभी डोमेस्टिक सर्वेंट है, कभी ये है, कभी वो है, लेकिन ये सब तो व्यक्तिगत खर्चा है। पेड सैलरी और डोमेस्टिक सर्वेंट है, डोमेस्टिक कौन सा, घरेलू, घर का नौकर है। ओ, तो तुम घर के नौकर को बिजनेस करना बड़ा चालाक इंसान है, घर का खर्चा बिजनेस से कर ले रहा है। तो भाषा में सैलरी नहीं आएगा, क्या आएगा, ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग करने से अग्रवाल मेरी कैपिटल बिजनेस की कम होगी। चलिए कहां तक पढ़े, एग्जांपल 39 सर। 40 लीजिए, तो थोड़ा नया टाइप का देखते हैं, आप बोर्ड देर, हाँ ये सब नए हैं, आप अभी सीखोगे, जो सीख गए उनके लिए इजी, जो नहीं सीखोगे। 40 नंबर कराते, देखिए मजेदार कहानी लेता हूं। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर नाम ही नहीं सुना हूं, पहली बार सुना हूं, हाँ होता है ऐसा लाइफ में। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 12,000 बाई चेक। मैंने चेक से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, LIF, लाइफ, लाइफ मतलब हमारी जिंदगी,
इंश्योरेंस मैंने एक तरह का आश्वासन और प्रीमियम रुपीज 12,000 बाइक से सिखा दूंगा, हो जाएगा। लॉजिक थोड़ा सा मैं डिटेल में भी आपको बता दूंगा, आप घबराओगे नहीं। ये देखो बॉयज अग्रवाल, ये हमारा क्या है सर, ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है सर? हम तो अभी 16-17 साल के भी नहीं हुए, हम लोग ये सब कहां से सीख लेंगे बता रहा हूं। अब थोड़ा सा प्रवचन सुन लेना सर, बहुत ध्यान से। ये जो हमारी लाइफ होती है स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट, मेरे घर में मैं कमाने वाला मेंबर हूं, मैं कमाता हूं तो मेरा घर चलता है, तो मेरे घर वाले को हमेशा डर है या मुझे भी डर है कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा लाइफ कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा। घर में तो कोई सर इनकम वाला मेंबर नहीं है कमाने वाला, तो मैं इस मालूम है मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया। एक छात्र बोलते हैं सर लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है बता रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर आपको डर लग रहा है तो हमारे देश में बहुत सी लाइफ, ध्यान से सुनिए, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है। ये कंपनियां क्या करती है सर, आपको देखते जाइए डायग्राम देखिए, आपको वादा करती है, वादा मैंने आश्वासन देती है कि सर आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस का इंश्योरेंस मतलब आश्वासन ले लीजिए सर, क्या सब पल्ले नहीं पड़ा। मान लीजिए एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और ये मैं हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, तो मुझे लग रहा है कि मेरे घर वाले को मेरी मृत्यु के बाद, डेथ के बाद 20,00,000 रुपया मिल जाता है मेरी वाइफ को, माँ बाबू जी को, तो मेरा घर अच्छे से चल सकता है। सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया स्वयं, मुझे एक दोस्त बोला बबलू भैया घबराइए मत, इस इंश्योरेंस कंपनी में जाओ। इंश्योरेंस मतलब जो आश्वासन देता है कि सर अगर आपका डेथ होता है, आपका घर क्या हो जाएगा, डेथ होगा तो मैं आपके घर वाले को 20,00,000 रुपया दे दूंगा। अरे तो अच्छी बात है, मैं बोला बहुत का बहुत, आप तो बहुत ही दयालु हो ना, फ्री में नहीं होगा। अगर मैं 20,00,000 का इंश्योरेंस कराऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी बदले में हर साल मुझसे कुछ मामूली रकम लेगी। सर कितना, मैं कहानी बना रहा हूँ, मान ले 20,000 रुपया। इंश्योरेंस बोला बबलू सर आपको हर साल हमें 20,000 रुपया देना पड़ेगा, और अगर देते हुए वो जो आपका सफर है, अगर आपको कुछ होता है, आपकी लाइफ को मान लीजिए हार्म हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो हम आपके घर वाले को 20,00,000 रुपया दे देंगे। तो इस तरह से हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस मतलब एक तरह से दूसरे व्यक्ति से आश्वासन ले लेना कि देख भैया मेरा मृत्यु होने पर घर वाले को तुम 20,00,000 10,00,000 50,00,000 दे देना। ये हर व्यक्ति कराता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक लाइफ का होता है और एक सामान का होता है, उसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस। बताइए लाइफ किसके पानी बनाते हैं, लाइफ तो मेरी है, ये बबलू सर है, मैं बिजनेस का स्टूडेंट ध्यान दीजिए ओनर हूं, मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया। तो ये पेमेंट आपका व्यक्तिगत है या आपका घर का खर्च है, तो स्वयं कहां का नहीं है बोलिए, ये बिजनेस का नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस कहां से दिया है, अपने बिजनेस से ले लिया। बिजनेस में हम लोग अग्रवाल क्या करते हैं सर, क्या बोले थे वो बात करो अग्रवाल, मैं तो बैंक में अकाउंट क्या किया हूँ, ओपन किया हूँ, तो यहाँ पैसा जमा है ना, क्या जमा है, पैसा जमा है, और मैंने क्या किया अपने बैंक अकाउंट से अपने लाइफ का इंश्योरेंस दिया हूँ। बिजनेस नाराज हो गया, बोलते हैं सर ये तो आपका व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस का नहीं है, किसका है, आपका व्यक्तिगत है। लेकिन मैं बोला सर मैं दे, हाँ दे सकते हो, बिजनेस को तो दीजिए, मेरा क्या है। तो बताइए मैं बिजनेस में पैसा लाया ना, लेकर चला गया डागा, लेकर चला, हाँ किस काम में लगा लिए, ये अपना पर्सनल है, ये बिजनेस के लिए नहीं दियो, लाइफ है, लाइफ आपकी व्यक्तिगत होती है। तो इसका डेबिट क्रेडिट क्या होगा, सिखा दिया था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, डागा याद रहेगा, वर्ड बोल, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या नहीं लिखने का, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते, बड़े नाराज होते हैं, तो आप लोग ड्रॉइंग्स लिखोगे, और कहाँ का पैसा मेरा कम हुआ, चेक से दूंगा तो अपना बैंक बैलेंस कम होगा। तो बॉयज अग्रवाल 11 के बैंक अकाउंट बात कीजिए मेरे साथ साथ, बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्रेडिट हो गई। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया, एक दूसरी कंपनी दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मुझे आश्वासन दे रहा है, किस चीज का आश्वासन दे रहा है, लाइफ का। बोलता है बबलू भाई अगर आपको कुछ होता है तो हम आपके घर वाले को 20,00,000 दे देंगे, बता के घर वाले को 20,00,000 देंगे ना, एक तो नया बबलू भैया ला कर दे देंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस कभी भी क्या है, ध्यान रखिएगा, रिपेयरेबल नहीं होता है। रिपेयरेबल मतलब आपको मेरे हिसाब से वो वस्तु नहीं मिलेगी कि बबलू भैया चले गए, एक तो चलो नया बबलू भैया आ गया, इंश्योरेंस भेज दिया, ये नहीं होगा। किसमें बोलते डागा,
कॉमर्स पढ़ा है तो लाइफ इंश्योरेंस क्या आता है, रिपेरेबल नहीं है, मतलब आपको जीता जागता इंसान नहीं मिलेगा, पैसा मिल जाएगा बट, लेकिन कार का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 5,000 रुपया मिलेगा, चमचमाती, फिर क्या करो, कार ले आओ, तो कार में आपको सामान क्या होगा वापस मिल जाता है, बट लाइफ में सामान, तो मेरे हिसाब से लाइफ को हम रिपेयर नहीं कर सकते, ये बुक्स में नहीं लिखते है, तो ध्यान रखना लाइफ इंश्योरेंस रिपेयरेबल नहीं है, मतलब आपको वो व्यक्ति क्या नहीं होता है, फिर से नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको मतलब ड्रॉइंग्स कहेंगे, क्या कहना, आपका कहाँ का खर्च है, घर का है, ये बिजनेस का नहीं, बिजनेस मतलब ये लाइफ के लिए है, तुम अपना घर का स्कूल फीस वगैरह बिजनेस ही देगा तो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो वर्ड में क्या लगेगा, ड्रॉइंग्स, अपने कहाँ तक कवर कर लिए, एग्जाम्पल 40 तक हो गया, अपने 70 तक बढ़ेंगे, क्लियर करना, एक से एक हिंदी करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा क्लास नंबर 4 में मैं 40 यूपी करवा दिया हूँ डायग्राम के साथ, अब थोड़ा आप लोग होमवर्क और रिवीजन करना, ऑनलाइन पढ़ाई तक होती है सर, मन करता नहीं है, तो ऑनलाइन में थोड़ा मेहनत करना, क्लास देखना होगा और बार बार सुनते रहोगे, चलिए थैंक यू।